बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अतराफ़ मशहद की ज्यारत में से एक ज्यारत पे, जो कि मशहद से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर पहाड़ी इलाके में एक पहाड़ के ऊपर मौजूद है। ये ज्यारत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के सहाबी ख़ास हरसमा इब्ने ऐन अलमारूफ ख्वाजा मुराद की है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ख्वाजा मुराद मामून रशीद के ख़ास दरबार में से थे और एक रिवायत के मुताबिक सिपा सलार थे, और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को मदीना से तूस यानी मशहद तक लेकर आए। आप अहले बैत अलैहिस्सलाम से बेहद अकीदत और मोहब्बत रखा करते थे, और आपने ही इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के कातिल मामून रशीद को बेनकाब किया, और अपने आका व मौला की शहादत के बाद इमाम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की वजह से मामून को छोड़कर इस मुकाम पर गोशा नशीन हो गए, और आपने 210 हिजरी में अपनी जान का नजराना पेश किया, यानी आपको इश्क अहले बैत की वजह से कुर्बान कर दिया गया। आपको ख्वाजा मुराद इसलिए कहा जाता है क्योंकि काफ़ी अरसे तक किसी को ये मालूम नहीं था कि ये कब्र किसकी है। वक्त के साथ साथ लोग यहाँ आते गए और अपनी मन्नत मुरादें मांगने लगे। जब काफ़ी लोगों की मन्नत मुरादें पूरी होने लगी तो आपको ख्वाजा मुराद यानी मुरादें पूरी करने वाला आका या सरदार कहा जाने लगा। जब काफ़ी अरसे के बाद तहकीक हुई तो पता लगा ये किसी और की नहीं, ये कब्र इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सहाबी ख़ास हरसमा इब्ने ऐन की है। बस इस दुआ के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करेंगे कि खुदावंदे आलम तमाम मोमिनीन व मोमिनात को इन मुकद्दस मकामात की ज्यारत नसीब फरमाए और हज व ज़ियारात की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया जो आपने फेसबुक वीडियोस पर दिया। बस इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल अदील हैदर को भी प्यार दीजिए, और डेली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी यूट्यूब पर जाकर अदील हैदर सर्च करें, या हमारे फेसबुक पेज पर वॉच नाउ के बटन पर क्लिक करें और इसी तरह जुड़े रहें। शुक्रिया।